काम है। हम मुस्कान और आप देख रहे हैं लाइव विद मुस्कान यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे मसूर की दाल। मसूर की दाल बनाना बहुत ही इजी, हर घर में बनाई जाती है। बहुत शौक से बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, बूढ़े भी खाते हैं, सारे बड़े शौक से खाते हैं। तो चलिए आज हम मसूर की दाल बनाएंगे अपने किचन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मसूर की दाल बनाने के लिए हम जो चीजें चाहिए, एक पाव मेरे पास मसूर की दाल है, उसे मैंने भिगो के पहले अच्छे से रख लिया था। दो बड़े साइज के टमाटर है, उन्हें बारीक बारीक काट लिए। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और बड़े साइज की एक प्याज, उनसे भी बारीक बारीक काट लिए। अगर इसे इसमें हम क्या करेंगे, मसूर की दाल में हम इन सब चीज़ों को चॉप नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बस अदरक लहसुन के पेस्ट का पेस्ट बनाएंगे, इसके अलावा हम टमाटर और प्याज का पेस्ट नहीं बनाएंगे। चले अब हम क्या करते हैं, हम बर्तन लेंगे, इसमें हम ये मसूर की दाल डाल के बर्तन को अच्छी तरह साफ किया करें। इसमें बर्तन होती है, चले जी हम अब हम इसमें प्याज, कटी प्याज, कटे हुए टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून नमक, हल्दी अब इसमें डालें, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी और लाल मिर्च का पेस्ट पाउडर। चले पानी डालूंगी। अगर आप लोगों के पास 1 कप मसूर की दाल है तो आप इसमें 3 कप पानी डालें। अब इसे इसके ऊपर ढक्कन देंगे और इसे कवर करके 20 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक हमारी दाल अच्छे से गल ना जाए। अगर आप कुकर पर पका रहे हैं तो आप 5 से 6 मिनट तक पका सकते हैं। हमने मसूर की दाल के साथ सफ़ेद चावल भी बनाए, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सफ़ेद चावल भी बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गए, बहुत ही मज़ा, टेस्ट बहुत अच्छा। और दूसरी तरफ ये देखिए हमारे 20 मिनट हो गए, अब हम देखते हैं किस तरह की तैयार हो गई दाल हमारी। तो ये देखें, ये देखें 20 मिनट हो गए, हमारी दाल भी अच्छे से गल गई है, इस तरह आप देख सकते हैं। ये देखें, देखिए गल गई हमारी दाल भी। तो अब हम पानी को खुश्क करेंगे, लेकिन इसे ये नहीं बिल्कुल गाढ़ा, आपने गाढ़ी सारी दाल बना देनी, इसे पतली सारी दाल हमने बनानी, क्योंकि इसका टेस्ट और जायका बहुत ही अच्छा आएगा। पॉइंट पे आके हमने क्या करना, सबसे मेन पॉइंट हमने 1 टेबल स्पून बढ़ के सूखा धनिया पाउडर वो डालना, 1/2 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर और इधर हम गरम मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून इधर गरम मसाला। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छा। आप सोच रहे होंगे कि लास्ट पे ये गरम मसाले क्यों, क्योंकि इनका एक टेस्ट और आएगा जब हम भूनते हैं मसाले को स्टार्टिंग में, तो उस वक्त हम ये सारे मसाले डालते हैं, लेकिन इस दाल में हम लास्ट में डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट। और सबसे सरप्राइज जो मज़े की बात है वो तो हम अभी बाकी है, वो भी हम आपको बताते हैं क्या हमने अभी इस दाल के साथ करना है, जिससे इसका जायका डबल हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे पानी को खुश्क कर लेते हैं। दाल हमारी अच्छे से पक गई, अब हम क्या करेंगे, दाल के ऊपर रखेंगे ढक्कन और इसे करेंगे कवर, उसे नीचे उतार दें। तो एक हमने फ्राई पैन ले लिया, इसमें ऑयल डालेंगे सबसे पहले, ये हमने ऑयल डाल लिया। सबसे पहले हम ऑयल को गर्म करेंगे। हमारा गर्म हो गया, इधर मैंने क्या लिए, अदरक के ये जवे लिए, ये देखिए इन्हें बारीक बारीक स्लाइस में मैंने काट लिया। 2 मैंने सब्ज लाल मिर्च ली थी, उन्हें भी मैंने काट लिया, और 3 मेरे पास सब्ज मिर्च है, अब इनको मैं इसमें डाल दूंगी। अभी तरह से हम इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा हमने जलाना नहीं है। इनकी खूबसूरती, कलर और जायके की ये दाल की सबसे मेन पॉइंट, सबसे ये ज़रूरी काम ये होता। ये हमारे अच्छे से फ्राई होगी, अब हम इसे फ्लेम को नीचे से बंद करेंगे।
गर्मो गर्म इसके अंदर डाल देंगे। इससे इसका जायका खूबसूरती में डबल हमने मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत एक नई सी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी और मजे की लग रही है। आप भी जरूर ट्राई करना। क्या इसमें सबस डालनी है? अभी समय तो ये देखिए हमने डिश आउट की है, इतनी जबरदस्त हमारी मसूर की दाल बनी है। आप लोग भी स्ट्रेस पे मसूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी और मजे की बनती है। मेन बात इसमें होती है जो हम लास्ट पे इसका तड़का लगाते हैं, तड़के से एक तो इसका डबल मजा हो जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। हम लोग क्या करते हैं, मसाले सबसे पहले स्टार्टिंग पे मसाले भून लेते हैं, तो उसे एक तो अच्छी खुशबू भी नहीं आती है, मजा भी नहीं होता। तो हम लास्ट में बनाएं तो और डबल मजा होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट और भी जायका भी बहुत अच्छा होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा इसकी खुशबू भी बहुत दूर दूर तक जाती है, बहुत ही मजे की बनेगी। आप इसी तरह सेम ट्राई करेंगे तो आपके घर वालों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल लाइव विद मुस्कान को सब्सक्राइब करें, ताकि से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आप तक पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग इसे चावल के साथ भी ले सकते हैं, नान के साथ भी ले सकते हैं और तंदूर की रोटी के साथ भी, बहुत ही अच्छा, तीनों का अपना अपना टेस्ट होता है। ये देखिए चावल के साथ खाने का अपना ही बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ये देखिए वाह जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक हमारी बनी है दाल में और चावल। आप लोग जरूर इस रेसिपी को ट्राई करना।